उट दोरेंस अभी तक हमने क्या क्या देख लिया insurance. Insurance, insurance, insurance सबसे पहले आते हैं लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बेसिकली हमें पता है लाइफ मतलब क्या होता है जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये कष्ट भरी जिंदगी दैट्स योर लाइफ ठीक है सो वेन ए वी टेक इंश्योरेंस फॉर आर लाइफ दैट्स कॉल्ड एज द लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड इन टू टाइप्स ऑफ रिस्क फर्स्ट रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली या फिर रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट ठीक है आप जरूरत से पहले मर गए ठीक है लेट्स से यू डाई इन योर थर्टीज ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव मतलब दैट्स योर अर्निंग एज आपकी फैमिली आपके पीछे डिपेंडेंट थी बट आप बहुत जल्दी मर गए ठीक है अब मरना तो हमारे ऊपर होता नहीं है जब आना होता है आ जाता है जब मरना होता है मर जाते हैं बट दैट्स अ रिस्क ठीक है आप जरूरत से पहले मर गए तो क्या होगा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपके पीछे जितने भी लोग थे ठीक है उनका खर्चा पानी बंद हो जाएगा सो दैट्स द फर्स्ट रिस्क सेकेंड रिस्क इज रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट आप जरूरत से ज्यादा जी गए ठीक है हॉस्पिटल में पड़े हो हॉस्पिटल में आपका कोई बिल भर रहा है कोई नहीं भर रहा है यू डोंट नो सो दैट्स ऑल्सो रिस्क सो वॉट आर द टू काइंडोसिएटेड विथ लाइफ दैट इज रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली एंड रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट ठीक है वॉट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की तो वॉट आर द मेन एलिमेंट्स फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मैंने आपको तब भी बताया था जब मैं आपको ये प्रिंसिपल समझा रहा था कि अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेते हो आपको सारे फैक्ट्स डिस्कलोज करने हैं जैसे कि आपकी कोई भी हेरिडेटी डिजीज़ है ठीक है या फिर आपको स्मोकिंग या फिर लेट्स से ड्रिंकिंग की हैबिट है यू हैव अ हैबिट ऑफ चूइंग टबैको ठीक है ये सारी चीज़ें आपको पहले बतानी है अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है लेट्स से यू हैव ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम और यू हैव डायबिटीज़ ये सब भी आपको इन्फॉर्म करना है ठीक है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ सेकेंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए ले सकते हो जिसके होने या ना होने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होगा आप अपने नेबर के लिए ले सकते हो नहीं ले सकते आप अपने टीचर के लिए ले सकते हो नहीं ले सकते क्या आप अपने पापा मम्मी के लिए ले सकते हो हाँ ले सकते हो बिकॉज उनके होने या हो ना होने से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है तो एक और एलिमेंट क्या हुआ लाइफ इंश्योरेंस का प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट याद रखना वेन यू आर टेकिंग द लाइफ इंश्योरेंस अगर आप किसी और के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट नेक्स्ट इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी मैंने आपको तब भी बोला था कि इंडेमनिटी मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करेगी टू ब्रिंग यू बैक टू द सेम पोजिशन एज यू अर बिफोर ठीक है तो क्या किसी के जाने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी करके उसको वापस ला सकती है नहीं ला सकती लिट से आपका कोई पार्टनर था ठीक है उसकी डेथ हो गई और आपने इंश्योरेंस ले रखा था दस करोड़ रुपए का चलो बहुत बड़ा इंश्योरेंस था दस करोड़ का इंश्योरेंस था कंपनी आपको वो दस करोड़ तो वापस दे देगी बट क्या आपके पार्टनर को वापस ला पाएगी नहीं ला पाएगी क्या आप वो दस करोड़ रुपए से अपने पार्टनर को वापस ला पाओगे नहीं ला पाओगे तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यहां पे वर्क करेगा नहीं करेगा याद रखना प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ यस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नो नेक्स्ट इज डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी मैंने आपको बोला था कि लेट से मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी टेन लाख रुपीज फ्रॉम कंपनी ए टेन लाख रुपीज फ्रॉम कंपनी बी टेन लाख रुपीज फ्रॉम कंपनी सी एंड टेन लाख रुपीज फ्रॉम कंपनी डी तो मेरे मरने के बाद में मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे भाई बहन जो भी बच्चे होंगे उनको एवरी कंपनी विल पे टेन लाख टेन लाख टेन लाख एंड टेन लाख दैट इज इन टोटल ऑफ फोर्टी लैक्स क्यों क्योंकि मेरे लाइफ की कोई कीमत नहीं है ठीक है आई एम प्राइसलेस ठीक है मैं बहुत मतलब ऐसे यू कैन नॉट जस्ट यू नो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ माई लाइफ नॉट जस्ट माई लाइफ आप किसी भी ह्यूमन के लाइफ की वैल्यू नहीं काउंट कर सकते हम चीजों की वैल्यू काउंट कर सकते हैं मैंने ये टीवी का इंश्योरेंस लिया ठीक है दो लाख का टीवी है ठीक है मैंने ये स्टाइलस का इंश्योरेंस लिया ठीक है टेन थाउजेंड रुपीज का स्टाइलस है मैंने किसी भी चीज का इंश्योरेंस लिया मैंने मेरे गुड्स का लिया कार का लिया फ़ोन का लिया कुछ भी लिया क्यों क्योंकि उनका हम वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं बट क्या कोई ह्यूमन की वैल्यू आप एस्टिमेट कर सकते हो नहीं कर सकते तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे काउंट होगा नहीं होगा ठीक है लास्ट इज डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सब्रोगेशन मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था दैट जैसे ही कंपनी ने आपको आपके लॉस के लिए कंपनसेट कर दिया है उसके बाद में बचा कुचा सामान कंपनी का हो जाता है दस दैट मीन कि अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है मेरी लाइफ का मैं मर जाता हूँ और मेरे नॉमी नहीं राज माई मॉम डैड और माई ब्रदर सिस्टर दे गेट द क्लेम तो उसके बाद में मेरी लास्ट कंपनी ले जाएगी ऐसा तो कोई होने नहीं देगा तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट वर्क इन लाइफ इंश्योरेंस तो दो प्रिंसिपल जो वर्क करते हैं वो कौन से कौन से थे बताओ कौन से कौन से थे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट थ्री प्रिंसिपल दैट डज नॉट वर्क इन लाइफ इंश्योरेंस वो कौन से थे प्रिंसिपल ऑफ एंडिटी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्लियर नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अभी आप बोलोगे हमने इंश्योरेंस का टाइप पढ़ा अब हम उस टाइप का भी टाइप पढ़ रहे हैं यस yes, पहले हमने क्या पढ़ा द फर्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस अब हम पढ़ रहे हैं द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देयर आर नेम दी फाइव टाइप्स ठीक है एक एक करके समझते हैं फर्स्ट इज होल लाइफ पॉलिसी मतलब पूरी जिंदगी तो आपको पैसा कब मिलेगा पूरी जिंदगी पैसा मिलेगा नहीं आपको पैसा मिलेगा जब आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी दैट मीन्स ये पैसे आपको तो कभी नहीं मिलेंगे आपकी मरने के बाद में आपको पैसे तो मिल ही नहीं सकते हैं. तो ये पैसे क्यों होते हैं टू कवर द रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली दैट मीन आप अगर अपने जवानी में ही एक्सपायर हो जाते हो ठीक है आप चल बसे आप निकल लिए भगवान के पास में ठीक है तो क्या होगा आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे तो होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है कि आपने प्रीमियम पे किया हाँ प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट तो कंसीड्रेशन तो हमको देनी पड़ेगी ठीक है आपने प्रीमियम पे कर दिया तो आपके फैमिली मेंबर्स को आपके नॉमिनीज को पैसा कब मिलेगा आफ्टर योर डेथ तो आफ्टर द एंड ऑफ योर होल लाइफ आपके पूरे लाइफ खत्म होने के बाद में आपको पैसे मिलेंगे दैट मीन्स आपके नॉमिनी को पैसे मिलेंगे so sorry, आपको तो मिल ही नहीं सकते हैं आपके नॉमिनी को पैसे मिलेंगे क्लियर सेकेंड इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है नाम से समझ में आ रहा है ज्वाइन करना ठीक है बेसिक लिवेन टू और मोर देन टू पीपल टेक पॉलिसी टूगेदर कैसे ले सकते हैं ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं से हस्बैंड एंड वाइफ हैं उन दोनों ने साथ में पॉलिसी ले ली तो क्या होगा दोनों में से किसी भी एक की डेथ हो जाती है लेट्स से हस्बैंड मर जाता है तो पैसा वाइफ को मिलेगा लेट्स से वाइफ मर जाती तो पैसा किसको मिलेगा हस्बैंड को मिलेगा जनरली ऐसी पॉलिसी लोग तब लेते हैं जब उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर लेट्स से हस्बैंड वाइफ है और कोई बच्चा नहीं है तो दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो वो दोनों कोशिश करते हैं कि दोनों में से जो भी अगर बच जाता है द एनी सर्वाइवर शैल नॉट फेस एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या एम क्या होता है इस पॉलिसी का कि अगर दोनों में से कोई भी एक जन बच जाता है तो उसको एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आए सिंपल नेक्स्ट इज चिल्ड्रेंस एंडोमेंट पॉलिसी नाउ दिस इज आल्सो वेरी सिंपल चिल्ड्रन मतलब ये बच्चों के लिए जाती है पेरेंट्स लेंगे ठीक है बाद अब चिल्ड्रेन तो खुद के लिए ले नहीं सकता बच्चा खुद के लिए कैसे लेगा तो बच्चा तो ले नहीं सकता कौन लेगा पेरेंट्स लेंगे किसके लिए लेंगे चिल्ड्रेन के लिए अपने बच्चों के लिए लेंगे क्यों लेंगे हो सकता है फ्यूचर एजुकेशन कवर करनी है हो सकता है मैरिज एक्सपेंसिस बेयर करने हैं कुछ भी हो सकता है तो ये पॉलिसी लेता कौन है पेरेंट्स किसके लिए लेते हैं चिल्ड्रेन के लिए फॉर वॉट पर्पज एनी पर्पज बट फ्यूचर एक्सपेंसेज लाइक मैरिज सिंपल लाइक द फ्यूचर एजुकेशन भाई अब्रॉड जाना है मेरे बेटे को तो ठीक है तो हम क्या करेंगे हम पंद्रह साल पहले से ही पॉलिसी लेना शुरू कर देंगे सो so दैट हमने पंद्रह साल थोड़े थोड़े रुपए भरे और फिफ्टीन ईयर्स के एंड में हमको अच्छा बड़ा पैसा मिला दैट विल फिनेंस इधर हिज एजुकेशन और हिज मैरिज और एनी अदर थिंग ठीक है नेक्स्ट इज एंडोमेंट लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी अब देखो यहां पे क्या था चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी यहां पे एंडोमेंट लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी दैट मींस ये पैसा किसको मिलेगा हमें मिलेगा ठीक है यहां पे चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी था यहां पे चिल्ड्रन को मिलेगा यहां पे एंडोमेंट लाइफ यानी हमें मिलेगा ठीक है सो इन एंडोमेंट लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी पैसा अश्योर्ड होता है अश्योर्ड का मतलब क्या होता है गारंटीड होता है दैट मीन्स आपने क्या किया आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए पैसे दिए कंपनी को दैट मीन्स यू पेड द प्रीमियम आपने क्या किया छोटे छोटे इंटरवल्स में प्रीमियम पे किया ठीक है वेरी गुड थैंक यू सो मच ठीक है अब क्या होगा आफ्टर अ सर्टेन एज लेट से आपने बोला कि मुझे 50 की एज पे पैसा चाहिए सो कंपनी विल पे यू बैक आफ्टर दैट सर्टेन एज दैट मीन्स जैसे ही आप 50 के हो जाओगे कंपनी आपको क्या करेगी होल सम में एक लम सम में बड़ा पैसा दे देगी अच्छा चलो अब आप बोलते हो कि सर अगर मैं 50 के पहले मर जाता हूं तो तो कोई बात नहीं आपके फैमिली को मिल जाएगा जैसे ही आपकी डेथ होगी आपके फैमिली को मिल जाएगा तो ये बेसिकली दोनों साइड से वर्क करती है ठीक है आपने अगर बोला कि मुझे फिफ्टी की एज पे रिटायर हो जाना है ठीक है तो आप क्या करोगे आपने एट दी एज ऑफ ट्वेंटी फाइव आपने पॉलिसी लेना शुरू कर दिया आपने प्रीमियम पे किया है तो फिफ्टी जैसे ही आप फिफ्टी के होगे कंपनी आपको गिफ्ट देगी गिफ्ट क्या देगी जो पॉलिसी आपने ली थी वो मच्योर हो जाएगी तो उसका मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिल जाएगा ठीक है और अगर आप फिफ्टी के होने से पहले यू आर आउट तो क्या होगा आपके नॉमिनी इसको पैसा मिल जाएगा सिंपल एंड लास्ट इज एन्यूटी पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम होता है दिस इज ऑलमोस्ट द सेम एक छोटा सा डिफरेंस होता है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप पैसा देते हो और आपको वन शॉट में लमसम पैसा मिलता है बट एनुइटी पॉलिसी में भी सेम होता है आपने पैसे दिए आपने सोचा था कि मैं फिफ्टी के एज पे रिटायर हो जाऊंगा मुझे पैसे चाहिए आपने बोला ठीक है कंपनी ने बोला ठीक है आप इतने इतने पैसे हमको ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक दे दे रहा हूँ आप जैसे ही फिफ्टी के हो जाओगे हम आपको पैसे देंगे बट एंडोमेंट में क्या होता है कंपनी लमसम में आपको पैसा दे देती है एन्युटी में क्या होता है आपको चूज करना है कि आपको आने वाले ट्वेंटी ईयर्स के लिए पैसा चाहिए दैट मीन्स जैसे ही आप फिफ्टी के हो गए तब से आपको पैसे मिलने शुरू होंगे ठीक है कंपनी आपको पूछेगी आपको कब तक पैसे चाहिए आप बोलोगे फॉर दी नेक्स्ट ट्वेंटी इयर्स दैट मीन जब तक मैं सेवेंटी का हो जाता हूँ मुझे तब तक पैसे चाहिए तो कंपनी क्या करेगी वो लमसम अमाउंट आपको टुकड़ों में देगी अब ऐसा भी हो सकता है एवरी ईयर दे हो सकता है एवरी मंथ दे हो सकता है सेमी एनुअली दे कुछ भी हो सकता है हो सकता है क्वार्टरली दे वो आप चूज करोगे समझ में आया डिफरेंस एंडोमेंट में पूरा पैसा आपको एक साथ में मिल जाता है ठीक है अब आपकी इच्छा आपको चाहिए तो आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ ठीक है बट एनुइटी में क्या होता है एनुइटी में आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन सी एज से पैसा चाहिए कब तक पैसा चाहिए दैट मीन्स मुझे चाहिए फिफ्टी की एज से लेके सेवेंटी की एज तक ठीक है अब कंपनी आपको पूछेगी आपको पैसा कैसे चाहिए मंथली चाहिए क्वार्टरली चाहिए सेमी एनुअली चाहिए या फिर एनुअली चाहिए लेट से आप बोलते हो मुझे पैसा मंथली चाहिए तो कंपनी क्या करेगी कैलकुलेट करेगी 20 इयर्स इन टू ट्वेल्व इन अ ईयर तो 240 टाइम्स मुझे पैसा चाहिए तो कंपनी मुझे टुकड़ों में पैसा देगी इस पॉलिसी का फायदा क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू रिप्लेस द इनकम मुझे रिटायर होना था 50 की एज पर बट मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी ठीक है मुझे क्या चाहिए थी मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी तो मैंने क्या किया मैंने कंपनी को बोला कि भैया आप मुझे फिफ्टी की एज पर पैसा देना शुरू करना ठीक है ताकि मुझे अब और कमाना नहीं पड़े मैं आराम से चिल करूंगा अब ठीक है बट एक रेगुलर इनकम आती रहे तो दिस वाज योर लाइफ इंश्योरेंस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस